सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 से पाठ 4 कठपुतली, जो कि एक कविता है। कविता इस प्रकार है, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। बच्चों, इस कविता के कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, जिनका जन्म 19 मार्च 1913 को मध्य प्रदेश के होशंगा बाद नामक जिले में हुआ था। इन्होंने कविता, निबंध, संस्मरण, बाल साहित्य आदि तरह की रचनाएं की, जिनमें से कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं, चकित है दुख, रेखा तक, तुर्कों के खेल आदि। बच्चों, आइए हम लोग कविता की व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। प्रसंग इस प्रकार है, प्रस्तुत पंक्तियां भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कठपुतली नामक कविता से ली गई हैं। इसमें कवि ने कठपुतलियों के मनोदशा का वर्णन किया है। व्याख्या इस प्रकार है, कवि कहता है कि कठपुतली अपने इस गुलाम भरी जिंदगी से बहुत क्रोधित हैं, बहुत गुस्से में हैं, और वह गुस्से से उबर कर कहती है कि ये धागे मेरे शरीर के आगे पीछे क्यों बंधे हैं, इन्हें तोड़ दो, अर्थात मुझे आजाद कर दो और मुझे मेरे पांव पर स्वतंत्र होकर चलने दो। अर्थात कठपुतली कहती है कि हमें भी स्वतंत्र होकर जीने का पूरा पूरा अधिकार है, वह किसी के हाथों से वो किसी के हाथों द्वारा नाचना नहीं चाहती है, वह खुले अर्थात स्वतंत्र होकर जीना चाहती है, अपने पांव पर स्वतंत्र होकर चलना चाहती है। आगे बढ़ते हैं, सुनकर बोली और कठपुतलिया की हां, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। पहली कठपुतली के मुंह से स्वतंत्र होने की बात सुनकर जो अन्य कठपुतलिया रहती हैं, वो भी उसके हां में हां मिला देती हैं और वो भी स्वतंत्र होकर जीना चाहती हैं, अपने पांवों पर स्वतंत्र होकर चलना चाहती हैं और कहती हैं कि हमें अपने मन की बात सुने हुए, अर्थात हमें अपने मन से खुश हुए बहुत दिन हो गए हैं। वे अपने मन में खुश नहीं हैं, अर्थात वे दुखी हैं और वो भी स्वतंत्र होकर जीना चाहती हैं, अपने पांव पर स्वतंत्र होकर चलना चाहती हैं। आगे बढ़ते हैं, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अन्य कठपुतलियों के द्वारा स्वतंत्रता की बात सुनकर पहली कठपुतली घबरा जाती है, वह सोचती है ये मेरे मन में स्वतंत्र होने की कैसी भावना जगी, कैसी इच्छा जगी, क्या मैं सफल हो पाऊंगी, अन्य कठपुतलियों का भार अपने सर पर उठाकर चल पाऊंगी या नहीं। वह इसी अधेड़बुन में सोचने लगती है, घबराने लगती है। बच्चों, इस कविता में कुछ कठिन शब्द आए हैं जो इस प्रकार हैं, गुस्सा, क्रोध, पांव, पैर, अभिलाषा, इच्छा, कठपुतली, काठ अर्थात लकड़ी की पुतली गुड़िया जिसे तार या डोरी की सहायता से नचाया जाता है, धन्यवाद।